देश के 12 शहरों से चुनकर आई 32 नेम साबों में से 4 पहुंच चुकी हैं ग्रैंड फिनाले में और इसी 4 योद्धाओं में से एक है सागरिका मेमसाब। तो चलिए शुरू करते हैं सागरिका मेमसाब का ऑडिशन से लेकर ग्रैंड फिनाले तक का सफर उस मंच पर जिसका नाम है एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7 स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ पावर्ड बाय कोलगेट कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। मेरा नाम सागरिका गुप्ता है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घरेलू चूल्हा चौका करने वाली महिला। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो एक दिन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि आपको पता है मैडम जी, कानपुर में ऑडिशन होने वाला है। हमारे कानपुर शहर में जिस दिन ऑडिशन था उस दिन मदर्स डे था। इत्तेफाक की बात है, उस दिन मेरी माँ मेरे घर आई हुई थी, मैं उनका आशीर्वाद लेके वहाँ पहुँची। सागरिका गुप्ता ने कानपुर से ऑडिशन दिया और सिलेक्ट होकर पहुँच गई गाला राउंड में। जब से ऑडिशन में सिलेक्ट हुए हैं तब से तो बस एक ही सपना है कि अब हम ही बिग मेमसाब सीजन 7 बनकर जाएंगे यहाँ से। उसके लिए पूरी तैयारी भी चल रही है। गाला राउंड में सागरिका मेमसाब का मुकाबला था 3 और मेमसाबों से। सारी मेमसाब एक से बढ़ के एक है। इन सब चीजों में सबसे बड़ा सहयोग मेरे परिवार का है। मेरे पति मेरे साथ आए हुए हैं और वो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। हम लोग ये तैयारी में पूरा साथ दे रहे हैं। हम और हमारे फैमिली फ्रेंड आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि इस बार का बिग मेम साहब 7 की विनर ही होंगी। सागरिका जी की जो प्रतिभा थी, जो लगन थी, उसको मैं कानपुर से देखता हुआ इनके साथ में यहाँ तक आया हूँ और इनकी जो टैलेंट है, आज इन्होंने अपने उस टैलेंट को यहाँ पर साबित किया, जिससे मैं बेहद खुशी हुई। कहते हैं ना, जहाँ परिवार है वहाँ प्यार है और वही जीत का आधार है। और फाइनली मेकओवर के बाद सागरिका मेमसाब पहुंच गई गाला राउंड में परफॉर्म करने के लिए। मेरे सामने और भी 3 मेमसाब थी, सोनम मिश्रा, शिवा शुक्ला और प्रीति पांडे। बोल बेबी बोल राउंड में फटाक से जवाब देकर उन्होंने अपना टैलेंट साबित कर दिया। पहला राउंड बोल बेबी बोल। मेरा सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। बता दी महाराज। सही जवाब है 24। इस तरह से मेरे 2 सवाल सही हुए और मुझे बोनस पॉइंट भी मिले। उसी के साथ साथ एक गेम हुआ एक्सपर्ट खिलाड़ी, जिसमें मेरे पार्टनर ने सहयोग नहीं दिया। स्टार्ट, वहीं से इंस्ट्रक्ट करना है। सीधे घूमो, सीधे सीधे घूमो, जैसे थी। थोड़ा राइट साइड हो, थोड़ा राइट। हाँ, फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो। फिर भी गेम प्ले करती रही और अपने आप का कॉन्फिडेंस बनाए रही कि आगे और भी मौके मिलेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो पूरा गेम पूरा किया। आपने इंस्ट्रक्ट गलत किया है, इधर उधर करके कोई नहीं समझाता, आपको बोलना पड़ता है या तो दाएं जाओ या बाएं जाओ। डांस के लिए क्या बताएं, हूँ तो मैं कानपुर की, लेकिन यहाँ आके पता चला कि भोजपुरी में सब एक से बढ़ के एक है, तो हमने सोचा चलो ये भी एक टास्क रहेगा। गाला राउंड में सबको टक्कर दे रही सागरिका मेमसाब की अब बारी थी सोलो डांस परफॉर्मेंस की। जब मंच पर उतरी तो धमाल मचा दिया। मैंने आपका डांस एंजॉय किया, बहुत क्यूट था और आप एंजॉय कर रही थी काफी अपना डांस। अब की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपने कुछ ओवर नहीं किया और वो चीज़ आपके परफॉर्मेंस की खासियत थी। मैम, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसी गाने में। जजेस के अच्छे कमेंट पाने के बाद सागरिका जी ने तो उन्हें अपने साथ डांस करने को भी मजबूर कर दिया। एक्ट राउंड में तो उन्होंने अपने पति की जमकर क्लास लगा दी। पति की क्लास लेनी पड़ी मुझे कि
उस पुरानी कार के चक्कर में मेरे मायके जाने का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला था। और मजाक फिर मजाक, हर घड़ी मजाक। सही में खराब हो गया। कितनी बार कहे बेच दीजिए इस खटारा को, समझ में नहीं आता। अम्मा की निशानी है, लटका लीजिए गले में, घूमिए जाके। कैसे जाएंगे अब हम वहाँ? पिताजी दिए थे हमको कार, चपका दिए बहिनी के साथ। जजेस ने बोला कि ये तो सबसे दमदार परफॉर्मेंस थी, अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस, शुरू से लेके अब तक का बेस्ट था। सब कुछ उबाल दिया और उसके बाद बोला जी चलो ठीक है, आपकी आखिरी में बात आप ही की सही है, और किया वही जो आपको करना था। और आपकी लैंग्वेज मुझे इतनी अच्छी लगी, चपका दिए हो और वो लात गाड़ी को मारी थी या पति को? गाड़ी को, खटारा को फेंक दीजिए ना। जिस तरीके से मारा मुझे लगा पति को दिया होगा गिर गए बार। यही नहीं, इसके बाद जागृति राउंड में सागरिका मेम साहब ने दहेज प्रथा के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। माँ ने सिखाया, बिटिया ससुराल ही तुम्हारा संसार है और तुम्हारे पति तुम्हारे देवता। लेकिन क्या हुआ, जब मैं वहाँ गई तो कुछ दिनों बाद से मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। कार खरीदनी है, जा बाप के घर से 50,000 रुपए लेकर आ। अरे यहाँ तक कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी तो बोली जा माँ के घर से जाके जेवर बनवा के लेकर। और एक दिन मैंने डट कर इनका सामना किया, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली अपने मायके। पता है तब क्या हुआ, धक्के मार कर इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सफर। मैंने दिन में पढ़ाई करी, रात में कपड़े सिले, और आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, आए हमारे पास आए, पूरा प्रशासन उनका सहयोग करेगा। मैं सागरिका गुप्ता, सिविल लाइन, महिला थाना इंचार्ज, कानपुर। वो कौन सा 5 दिन का मेला है जो कानपुर में होली के बाद मनाया जाता है? जी सागरिका जी, गंगा मेला। सही जवाब। विनय जी बस मेरा जोश बढ़ा ही रहे थे, कभी मुस्कुराकर, कभी हंसकर। हम लोगों को ये एहसास ही नहीं होने पाया कि यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा है, बस हम तो उसे खेल की तरह खेलते चले गए। और अब बारी थी फेस ऑफ की। चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। आनी जानी है राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे चमना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। चारों दिन के खेल का सफर पूरा होने के बाद अब बारी थी घोषणा की। कानपुर से जो विनर बनी है वो है, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा था कि क्या रिजल्ट सामने आने वाला है। सोनम मिश्रा, उनके और हमारे नंबरों में बहुत थोड़ा सा ही फर्क था, वो है सागरिका जी। और तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कानपुर की सागरिका गुप्ता जा पहुंची क्वार्टर फाइनल में। कानपुर की सागरिका ही नहीं है सबके मात, और बन के रही है बिग मैम साहब सीजन 7। सागरिका गुप्ता का सफरनामा जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मैम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी चौथी फाइनलिस्ट सागरिका मेम साहब का सफर, क्योंकि ये है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत।
मैं क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हूं और पूरे जुनून के साथ आगे के सभी राउंड को जीतने की कोशिश में लगी हुई हूं। सागरिका मेम साहब के लिए मैं बोलूंगा, वो बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक हर चीज़ को सुनती है, कोई हंसी मजाक नहीं। जब हंसी मजाक का समय होता है, टाइम होता है, तब वो हंसी मजाक करती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। क्वार्टर फाइनल में सागरिका जी की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही है, वो डे नाइट पूरे जुनून के साथ में और जज्बे के साथ में लगी हुई है। कोरियोग्राफर सर मुझे स्टेप बताते हैं और वहाँ से गेस्ट हाउस में आने के बाद रात दिन उसे फॉलो करती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करती ही जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि एनर्जी के अंदर एनर्जी कमाल की है। इन लोगों के साथ काम करने के बाद ना ये प्रेरणा है मेरे लिए, इंस्पिरेशन कि हाँ इतने जुनून के साथ काम करना। सभी मेम साहब बहुत मेहनत कर रही हैं और डांस राउंड को इतने अच्छे से और इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि चाहती हैं कि सब के सब सेमीफाइनल में पहुँचे। हमारे साथ जो और टीम कंटेस्टेंट थी वो भी बहुत जोरदार थी। नंदिनी जी का क्या कहना, सबसे आगे वही चल रही थी। विजेता जी भी बहुत अच्छा खेल रही थी, सोनी जी भी बहुत अच्छा खेल रही थी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला काफी अच्छा रहा। शुरुआत हुई डमसराट राउंड से, जिसमें कि मैंने 10 सेकंड में ही फिल्म का नाम पहचान लिया जो था फूल और कांटे। फूल फूल और कांटे। जो मेरी पार्टनर थी नंदिनी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद दूसरा राउंड टिप टॉप हुआ, जिसे करने में मज़ा आया। उसमें एक मॉडल दी गई थी जिसे हम लोगों को भूत बनाना था। कॉन्फिडेंस आपका, जिस तरह से आप आती हैं स्टेज पे और अपना जलवा बिखेरती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मधु मैम को थोड़ा सा डाउन लगा, वो बोल रही थी कि उन्हें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझसे। आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अभी, बिकॉज अभी कॉम्पिटिशन टक्कर की है, तो मुझे अब थोड़े से वीक लगे। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए, और क्योंकि आप में वो चीज़ है, आप कर सकती हैं। मुकाबला काफ़ी तगड़ा था, हम लोगों को तरह तरह के गेम दिए गए। क्वार्टर फाइनल के एक्ट और गेम राउंड को सागरिका जी ने तो जमकर खेला। जब वो मेरे सामने कर रही होती हैं या मैं जब उनको बता रहा होता हूँ, कई बार लगता है यार ये निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, लेकिन जब वो स्टेज पे जाती है तो बाप रे बाप, बिल्कुल स्टेज पे तो आग लगा दे। जैसा मैंने बताया होता उससे 100 गुना ज्यादा करके निकल रही होती है। मेरी सिचुएशन थी कि मुझे कॉमेडी एक्ट करना था, पीछे से आवाज आई भाभी पटाखा। मन ही मन तो मैं बड़ी खुश हुई, 2 बच्चे की माँ बनने के बाद भी पटाखा, लेकिन जवाब तो देना ही था। कहाँ पटाखा रही अब मैं तो 2 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, फिर से आवाज आ गई भाभी पटाखा। मैं पीछे मुड़ी ही थी कि आगे दम। मुझे क्या पता था मुँह ने सुतली बम लगा रखा है। मैं बोली मुँह पहले नहीं बता सकते थे, तुम्हारी अम्मा से जाके बताएंगे कौन सा पटाखा फोड़ते हो चौराहे में जाके, पूरा मुँह खराब कर दिया। वो शब्दों को कैसे फेंकना है, कैसे मॉड्यूलेट करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे, वो सारी चीजों को समझती है। इसी मुकाबले में एक राउंड था जिसमें हमें एक व्हील को घुमाना था, जहाँ भी जाके वो व्हील रुकता था उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। मन ही मन सोच रही थी कि मेरा किचन क्वीन में चला जाए, और जब मेरा एरो किचन क्वीन की तरफ गया तो मैं बड़ी खुश हो गई कि वाह। और मुझसे 2 आसान से सवाल पूछे गए, चाकू की धार को किस चीज से साफ करना चाहिए। नींबू से साफ करना चाहिए, और पत्थर में रगड़ के भी हम उसे साफ कर सकते हैं। सही जवाब। चावल को सफेद रंग का बनाने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें सर हम नींबू का रस डालते हैं और कभी कभी नमक भी डालते हैं ताकि वो एकदम सफेद और खिला खिला बन जाए। सही जवाब। अब तो नींबू तो अच्छा था ही, अब और भी अच्छा लगने लगेगा। आज नींबू की वजह से मुझे 10 नंबर मिले। और हमारा फेस ऑफ राउंड था जिसमें हमारी पार्टनर ने पूरा सहयोग किया डांस करने में।
सागरिका जी, आपके सारे स्टेप्स बहुत क्लियर थे, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था आपको देखना। मधु मैम ने भी बहुत ही अच्छे कमेंट दिए। आपके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके मूवमेंट्स बहुत डेलिकेट होते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से नाचती हैं, सो मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत प्यारा लगा। जजेस जब ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आगे की तरफ प्रेरणा मिलती है कि हमें और अच्छा करना है। हमने अपना पूरा राउंड पूरा किया और लास्ट में जब विनय जी मार्क्स बता रहे थे तो काफ़ी डर लग रहा था। जो हमारी सेकंड रनर अप हैं उसके टोटल मार्क्स है 130 और वो हैं, वो दौर काफ़ी नर्वस भरा रहा कि अब सेकंड रनर अप कौन बनने वाला है, और वो हैं सागरिका जी। बहुत अच्छा लगा और इस तरह से हमारा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला पूरा हुआ। मैं यही कहूंगा सागरिका जी के लिए और ईश्वर से प्रार्थना भी करता रहूंगा उनकी कामयाबी के लिए, और वो अपने इसी जोश और जज्बे के साथ में आगे के और भी सारे राउंड्स खेले। सागरिका गुप्ता का सफरनामा जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग नेम साहब सीजन 7 स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी चौथी फाइनलिस्ट सागरिका मेमसाब का सफर, क्योंकि ये है एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7 स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। यहाँ तक तो सागरिका जी अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर पहुँच आई थी, लेकिन इसके बाद का सफर इतना आसान नहीं है। क्वार्टर फाइनल का राउंड पार करके अब मैं सेमीफाइनल में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर सारी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है और ऋतुराज सर हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। डांस कम एक्सप्रेशन ज्यादा है, लाउड एक्सप्रेशन, तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत किया। यहाँ पर सर जो सिखा रहे हैं हम लोग उसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि उसे देख देख कर सीखते रहें रात दिन। एक्टिंग की तैयारी मेरी बहुत अच्छी चल रही है और इस बार एक्टिंग के लिए मुझे एक गुंडे का किरदार दिया गया है। सब कुछ पता है, फ्रेम ऐसे, जिमी जिप में ऐसे देखना, इस वाले कैमरे में ऐसे देखना, ये मूवमेंट शिफ्ट करना, ये ऐसे इमोशन शिफ्ट करना, मजा आता है इन लोगों के साथ काम करने का, और सागरिका गुप्ता उसमें से एक है। धन्यवाद कहूंगी मैं इस बिग नेम साहब की टीम का, जहां पर हमारे कोरियोग्राफर ऋतुराज सर और हमारे सतीश सर ने हमको वो चीज दी जो हम प्ले कर सकते हैं। सेमीफाइनल का राउंड मेरे लिए बहुत मजेदार रहा, इसकी शुरुआत हुई डम से राज गेम से। हंसी हंसी तो फंसी। अरे सामने वाले पार्टनर ने थोड़ा सा इशारा किया हंसी और मैंने झट से पकड़ लिया हंसी तो फंसी। हमारे इस सेमीफाइनल राउंड में एक राउंड ऐसा था जिसमें हमें पेपर की ड्रेस पहनानी थी, वो मुझे बहुत टफ लगा, फट रहा था, कहीं मुझसे स्टेपल ही नहीं हो रहा था, हाथ कांप रहे थे मेरे, फिर भी मैंने अंततः एक मॉडल को ड्रेस पहनाई और रश्मि मैम से, मधु मैम से मुझे कमेंट मिले। सागरिका जी न्यूज़पेपर से सजाई हुई, आपकी मॉडल भी बहुत अच्छी लगी और आपका ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा स्कर्ट और टॉप का। आजकल नया फैशन निकला है जिसे क्रॉप टॉप और हाई वेस्ट स्कर्ट बोलते हैं। सेमीफाइनल में जजेस को मेरा डांस बहुत अच्छा लगा।
आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज. हम लोगों ने आपको साड़ी में देखा है हमेशा, आज आपको इस लिबास में देख के मुझे बहुत खुशी हुई. उतना ही खूबसूरत आपने डांस किया, बहुत प्यारे मूवमेंट्स किए, मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा. सो स्वीट, सो नाइस. आप में बहुत टैलेंट भरा है, प्लीज आप खुलकर परफॉर्म कीजिए. सच कहूँ तो आपका परफॉर्मेंस जो था आज का, वो बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट की तरह था. खाए से मन ना भरे और बांटने को जी ना करे. अगर आप बुरा ना माने तो एक बार और परफॉर्म करेंगी आप प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां. मुझे बिस्क फॉर्म की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा. वहाँ से थोड़ा सा और मेरी हिम्मत बढ़ी कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ. मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये महिलाएं, इनको हैट्स ऑफ, सलाम है इनको. घर का काम काज, बच्चे संभालना, पति को संभालना, सासू माँ सास ससुर की सेवा करते करते यहाँ तक पहुँच जाना और यहाँ पे सबको आश्चर्यचकित कर देना. आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब मंच पे आती हैं कॉन्फिडेंस के साथ में. उतरती और अपने एक्ट को, अपने डांस को, अपने एक्टिविटीज, गेम, सारी चीजों को निभा के चली जाती हैं, स्पेशली एक्ट राउंड में. मुझे डॉन का किरदार दिया गया था, थोड़ा डर लग रहा था. और जब सुपरस्टार राउंड में उन्होंने कटोरी बुनने का एक्ट किया तो सब हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे. ऊपर अल्लाह नीचे सुभाष बल्ला, आपको चिल्लाते का डन है डन. ए बोले तो क्या हो रहा है इधर, क्या सेटअप टप लगा रखा है, किसी का पार्टी वार्टी चल रहा है क्या, किसी फिल्म स्टार का शादी होने वाला है. ए ब्यूटी तू बोल. मधु मैम भी आ रही है, रश्मि मैम भी बैठी है. सलाम मैम, सलाम. अपुन को आप लोगों से एक काम है मैम, एक बढ़िया सा धांसू डायलॉग बोल के दीजिए ना अपुन को, अपुन उसको फोन में सुना सुना के हफ्ता वसूली किया करेगा. ऊपर अल्लाह नीचे सुभाष भल्ला. ये सुभाष भल्ला मेरे को बहुत मस्त लगा. थैंक यू. इंसान कैसे भी मूड में है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसे देख ले या आपकी कोई संगत में भी हो तो कभी कोई बोर नहीं हो सकता, कोई दुखी भी नहीं रह सकता, मुझे ऐसा लगता. थैंक यू मैम. उसके बाद पहली राउंड आया, मैंने डरते डरते भगवान का नाम लेके घुमाया चक्कर और मेरे में आई क्या पहली, और पहलियों से मुझे बहुत डर लगता है. आपकी पहली पहली है, अगर नाक पे चढ़ जाऊं कान पकड़ के तुम्हें पढ़ाऊं. गुस्सा. गलत जवाब. मैं नहीं बूझ पाई तो थोड़ा सा उदास हुई. आपका दूसरी पहेली है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में तीन चार धरे. मटर. सही जवाब, मटर. और फिर सेमीफाइनल के फेस ऑफ राउंड में उन्होंने अपना डांस परफॉर्म कर सबका दिल जीत लिया. जब सेमीफाइनल से ग्रैंड फिनाले में पहुंचने की घोषणा विनय आनंद जी ने की तो सागरिका जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. सबसे आखिरी राउंड था जजमेंट का, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भावुक रहा. मैं बताता हूं कि आप दोनों में कौन है वो जो आज हमारा साथ छोड़ के जा रही है. अनाउंस हो रहा था कि दूसरी कौन है जो जा रही है फिनाले में,
तो मुझे बहुत रोना रहा था। सागरिका जी आप बनती हैं सेकंड फाइनलिस्ट। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, शायद वो खुशी के आंसू थे। हमेशा सुनते आए थे कि खुशी में भी आंसू निकलते हैं और आज मेरे आंसू निकले, वो मेरे खुशी के आंसू थे। सेमीफाइनल राउंड को पार करके मैं फाइनल राउंड में पहुंच गई हूं और बिग मेम साहब का ताज करेगा मेरे ही सर पे राज। सागरिका जी के लिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसी जोश और जज्बे के साथ आप जुटी रहिए अपने ग्रैंड फिनाले की तैयारी में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पता है जनाब, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ग्रैंड फिनाले का। ग्रैंड फिनाले तो होगा ही, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे स्पेशल डांस ऑफ दिस सीजन। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत।